जमा और जमा के बाद सबसे पहले हम बाहर जमा पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे जमा के बाहर। ठीक हो गया? सब बच्चों को पता है कि बाहर जमा क्या होते हैं। अगर एक चीज है वो वाहन है और अगर ज्यादा है तो वो जमा है। जैसे अगर ये एक कर्म है तो ये वाहन है, अगर इसके साथ मैं एक और कर्म ले लेती हूँ तो ये क्या हो जाएंगे? जमा। क्या हो जाएंगे? जमा। इसी तरह अगर यहाँ पर देखिए उस्ताद है, मैं एक हूँ तो मैं कहूँगी उस्ताद, अगर मेरे साथ और दो तीन टीचर्स खड़े हैं या बहुत ज्यादा टीचर्स हैं तो उसकी जमा क्या हो जाएगी? असातिज़ा। उस्ताद की जमा क्या है? असातिज़ा। उसके बाद नंबर दो पर आ रहा है शागिर्द। शागिर्द की जमा क्या होगी? शागिर्दों। शागिर्द की जमा क्या है? शागिर्दों। यानी अगर एक बच्चा पढ़ रहा है बैठ के, एक तालिबे-ए-इल्म है, शागिर्द है, तो वो शागिर्द है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? शागिर्दों। उसके बाद नंबर तीन पर आ रहा है दुआ। दुआ की जमा क्या होगी? दुआओं। उसके बाद आते हैं जमा के बाद, पहला है हकूक। हकूक की बात क्या होगी? हक। क्या है? हक। उसके बाद नंबर दो पर आ रहा है सहूलतें। सहूलतें, सहूलत की जमा क्या है? सहूलतें की बात क्या है? सहूलत। उसके बाद नंबर तीन पर आ रहा है आसानियां। क्या है? आसानियां। आसानी की, आसानियां की बात क्या है? आसानी। ये है हमारे बाद की जमा और जमा के बाद है। उसके बाद हम आते हैं अपने सवाल नंबर तीन की तरफ। दुरुस्त जवाब का भुगतान निशान लगाए। उस्ताद सबसे ज्यादा हकदार है लिहाज का, अदब का, मुरब्बत का या खिदमत का? उस्ताद सबसे ज्यादा किस चीज का हकदार होता है? अदब का। किसका हकदार होता है? अदब का। उस्ताद सबसे ज्यादा किस चीज का हकदार है? अदब का। उसके बाद हम पढ़ेंगे उस्ताद नंबर दो पर है उस्ताद की बख्शिश के लिए दुआ करते रहना चाहिए इसकी जिंदगी में हर।